श्री नाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। कल ग्रहण है और आगे भी जो ग्रहण आएंगे उसमें जो मैं आज साधना बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी लाभप्रद है। मैंने सोचा था कि आप लोगों को एक लक्ष्मी साधना के बारे में बताऊंगा और एक सुरक्षा की साधना के बारे में बताऊंगा, लेकिन लोगों ने बोला कि एक शिव साधना भी बताइए। कल जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है गुरु पूर्णिमा के दिन, इस ग्रहण का एक अपना महत्व है। हर ग्रहण का एक ग्रहण स्वामी होता है कि वो किस एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस में, क्या एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है जब वो ग्रहण लग रहा है, कौन उस समय सारे नक्षत्रों का स्वामी है। तो कल सैटर्न उस ग्रहण पर राज करेगा। यह हजारों साल में एक बार होता है कि सैटर्न किसी ग्रहण के ऊपर बैठता है और वो भी चंद्र ग्रहण। पिछली बार जब ऐसी एक घटना हुई थी वो महाभारत काल में हुई थी। इसी कालखंड में पांडव कौरव से हारे थे और द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। कहा जाता है कि इस ग्रहण काल में अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं, जैसे नेचुरल डिजास्टर होगा, अर्थक्वेक होगा, ये सब चीज़ें होती हैं। इसके अलावा कैरेक्टर असैसिनेट होता है, मतलब लोगों का जो खुद का कैरेक्टर होता है वो ख़त्म हो जाता है। खैर, तो मैंने सोचा कि इस चीज़ का लाभ उठाया जाए और इसीलिए मैं आज्ञा बेताल की साधना लेके आया हूँ। उसके बारे में बाद में बताऊँगा, पहले बताता हूँ कि शिव साधना का लाभ कौन कर सकते हैं। मैंने एक रक्षा मंत्र दिया था, ओम ह्रीम अस्फुर अस्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर घुर घुर तरत अनुरूप चट चट प्रचट प्रचट कह कह बम बम बंदया बंदया घातया घातया हुम फट। इस मंत्र को मैंने बोला था कि साल में एक बार सिद्ध कर सकते हैं। ये भी एक मौका है जब आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको दक्षिण की तरफ देखते हुए एक सरसों का दीपक जलाना है, 3 अगरबत्ती जलानी है और प्रसाद चढ़ाना है और लगातार आपको लौंग से हवन करना है। इस मंत्र को पढ़ते हुए गिनती नहीं करनी है, बस हवन करना है और उसके बाद दशांश तर्पण करेंगे तो ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। दूसरा मंत्र लक्ष्मी का, अगर आप इस ग्रहण काल में लक्ष्मी मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो मैंने एक लक्ष्मी मंत्र दिया था। विष्णु प्रिया लक्ष्मी शिव प्रिया सती से प्रकट हुई, कामाक्षा भगवती आदि शक्ति युगल मूर्ति अपार, दोनों के प्रीति अमर जाने संसार दुहाई कामाक्षा की, आय बढ़े व्यय घटे दया करमाई, ओम नमः विष्णु प्रियाय, ओम नमः शिव प्रियाय, ओम नमः कामाक्षाय, रिम रिम श्रीम श्रीम फट स्वाहा। इस मंत्र को का ऐसे जनरल विधान अलग है, इस अगर ग्रहण काल में आप इस मंत्र को करते हैं तो इसके लिए आपको दक्षिण की तरफ मुख करके, लक्ष्मी का दिशा दक्षिण है तो दक्षिण के तरफ मुख करके घी का दीपक जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, पंचभोग चढ़ाएं, इसका जाप करें और इसके बाद लौंग गूगल और काले तिल से भगवती का हवन करें तो ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा लक्ष्मी का, फिर रोज आप जाप करें। अब आते हैं आज के मेन विषय पे, बेताल साधना। मैं शक्तियों की साधना जल्दी नहीं देता हूँ, लेकिन बेताल की साधना मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बेताल भगवान रूप में भी स्थापित होता है, भगवान रूप में भी स्थापित होता है। बहुत जगह भारत में बेताल को भगवान के रूप में पूजा जाता है। वेताल के बारे में दो कंसेप्ट हैं। एक ये माना जाता है कि जितने भूत होते हैं उनका राजा वेताल होता है। इसके अलावा एक पुरानी कहानी है, उसमें है कि एक वेताल किसी के प्राण हरने आए थे तो उनको पकड़ लिया गया, तो फिर उनसे पूछा गया कि वेताल क्या होते हैं, तो उन्होंने बताया कि महादेव की पूजा के कृपा से जो बहुत पापी भी होता है वो जब यम लोग जाता है तो वो यम की यातनाएं ना सहके यम दूत बन जाता है और वही जो प्राण हरने आते हैं
वही वेताल होता है। तो वेताल की साधना क्यों करनी चाहिए? वेताल नेगेटिव एनर्जी नहीं है, ठीक है, वेताल एक पॉजिटिव एनर्जी है। जो वीडियो चल रहा है वो जिन साधना की है, इसलिए आप लोग उस पर ध्यान ना दें। मुझे आज वीडियो बनाने का मन नहीं किया, मैंने पुराना ही वीडियो चला दिया है। तो वेताल साधना इसलिए करते हैं ताकि आपकी आपका जो मनोरथ हो, ठीक है, वो पूरा करे। वो बहुत सारे जो अनसुलझे सवाल हैं पास्ट के, प्रेजेंट के, वो वेताल आपको बता देते हैं। भविष्य के बारे में मैंने पहले भी बताया है कि भविष्य किसी का निर्धारित नहीं होता है। नियर फ्यूचर कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता है, लेकिन पूरा फ्यूचर कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। ये साधना आप कल रात कर सकते हैं। आज्ञा वेताल की साधना का फायदा यह है कि जब आप आज्ञा वेताल को बुलाते हैं, वो आते हैं और आपका जो भी मनोरथ है उसको पूरा करते हैं। साधनाओं के बारे में एक चीज मैंने बताया है कि जब भी आप शक्ति साधना करें तो ध्यान रखें कि शक्तियां आपसे ज्यादा ताकतवर हैं। कभी ये भ्रांति में ना रहे कि शक्ति को आपने अपने कंट्रोल में कर लिया है। तो इसमें क्या करना होता है? इस साधना में हवन के लिए आपको तीन सामग्री चाहिए होगी, मछली, चील और कागली। चील ना भी मिले तो चलेगा। तो इन तीनों को मिला करके उसके बाद इसमें गूगल और हड़ताल मिला लेंगे, तो ये आपके हवन सामग्री हो गई। इसको ले करके जितना देर ग्रहण काल है उतना देर आप श्मशान में बैठ करके जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ उसको आप जपेंगे, ठीक है। जपने के बाद वेताल का प्रत्यक्षीकरण होगा, आज्ञा वेताल का। नहीं हुआ इसका मतलब आपका पूजा पूर्ण नहीं हो पाया। जितनी जाप करनी थी आपको, आप उतना नहीं कर पाए। लेकिन इससे ये नहीं समझ लेना है कि अब ये साधना नहीं हो सकती। अगर आपका कल रात, देखिए, अगर आप साधक होंगे तो कल रात जो ग्रहण काल है उसमें आपकी ये साधना कंप्लीट हो जानी चाहिए। नहीं हुई तो आपको बीच में नहीं रुकना है, आपको उसके बाद रोज जाना होगा और करीब करीब 1,00,000 मंत्र जाप करना होगा रोज। आज गए 1,000 जाप किया, कल गए 1,000 जाप किया, 2,000 जाप किया, 5,000 जाप किया, आप तब तक जाप करेंगे जब तक आपके 1,00,000 जाप नहीं हो जाते बिना ब्रेक दिए। 1,00,000 जाप के बाद 100% ये आज्ञा वेताल सिद्ध होते हैं। अब आप आज्ञा वेताल का मंत्र सुनिए, लंबा मंत्र है, कलम कॉपी ले लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। ओम नमो आज्ञा वेताल वीर बेताल पैठो सातवे पाताल लाभ अग्नि की जलती झाल बैठ ब्रह्म ब्रह्मा के कपाल मछली चील कागली गूगल हरताल इन बस्ता ले चोली न ले चले तो माता कालिका का आन शब्द साचा पिंड काचा पूरो मंत्र ईश्वर वाचा। ये मंत्र है। इस मंत्र से आपको जाप करते करते हवन करते रहना है, बीच में रुकना नहीं, ठीक है। ये प्रत्यक्षीकरण साधना है। एक बार जब आज्ञा वेताल सिद्ध हो जाए तो आपके पास ये लाभ होगा कि जब भी आपका कोई कर्म होगा, खास करके दूसरों के लिए ना करें, खुद के लिए अगर जो कर्म करना है तो आप आज्ञा वेताल को बुला सकते हैं। जब बुलाना हो आज्ञा वेताल को तो मिट्टी के गोले बनाएं और उसके बाद 21 बार इस मंत्र को जप करके हवन कुंड में डालें तो आज्ञा वेताल हाजिर होंगे और आपका जो भी कर्म होगा, जो भी काम होगा वो कर देंगे। तो ये हो गई आज्ञा वेताल साधना। इसको गृहस्थ भी कर सकते हैं, लेकिन वही है कि मसान आपको जाना होगा, बिना मसान जाए नहीं हो सकता। घर में ये साधना मत कीजिएगा। एक विषय और है कि आप लोग, एक और अच्छी साधना है जो मैंने मसानी हनुमान का साधना दे रखा था ना, ओ मरकट मरकटाय स्वाहा, वो मंत्र भी बहुत अच्छा सिद्ध होगा इस ग्रहण काल में। करना क्या होगा आपको, आप नॉर्थ की तरफ बैठ जाइएगा, दीपक पुष्प ये सब चढ़ा करके श्मशान में, और उसके बाद मरकट मरकटाय स्वाहा इस मंत्र का करीब 1100 जाप कीजिएगा। कायदे से 10 माला होता है, लेकिन 10 माला गिनना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए 1100 जाप कीजिएगा। उसका
उसके बाद लौंग और गूगल मिला करके दशांश हवन कीजिएगा। ये मंत्र अगर आप सिद्ध कर लेते हैं तो आपके पास ये लाभ है कि आजीवन आपको अपने सुरक्षा के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। तीन आप लोगों को चार साधनाएं मैंने दे दी, चारों साधनाएं आप लोग करें। इस बार जो ये ग्रहण लग रहा है ये काफ़ी डेंजरस कहा जा सकता है, इसीलिए आप लोग अपने पर संयम बनाए रखें, किसी भी तरीके के चीज़ों से सतर्क रहें, क्योंकि अभिचारिक कर्म भी बहुत चलते हैं इस तरह के ग्रहण में। इसके अलावा जो लोग उज्जैन में हैं, मैं कल उज्जैन में रहूँगा और रात में विक्रांत भैरव स्मशान में हवन करूँगा। अगर आप लोग उज्जैन में रहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं मेरे साथ हवन करने के लिए। आज के लिए इतना ही। आज्ञा बेताल आप लोगों पर बहुत सारा आशीष बरसाए। आप लोगों से अनुरोध है, मैं कल अपना एनालिटिक्स देख रहा था तो 60% ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आप मेरा चैनल देखते हैं और पसंद करते हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। जिनको साधना का बेसिक मंत्र सीखना है, जैसे आसन बंधन और दिशा बंधन, भैरव जी का जो इनिशियल साधना है, वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं 9431188585 पे मैसेज करके। जिनको भूत प्रेत में इंटरेस्ट है वो मेरी किताब हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर खरीद करके पढ़ लें। अमेजोन, फ्लिपकार्ट पूरे विश्व में मिलता है। अपॉइंटमेंट लेने के लिए मेरा वेबसाइट www.aghortantra.xyz। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें रुद्रनाथ सर्च कीजिए, आपको मैं मिल जाऊंगा। आप सभी को आदेश आदेश, अलख आदेश।